प्रोग्राम में शिरकत हुए सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। और सबसे पहले मैं सबसे ज्यादा बधाई कलीम भाई को देना चाहती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, और सुहेब भाई को। इसी के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सिद्धार्थ सिंह जी, जो कि बहुत दूर से चलकर हमारे बीच आए हैं, उनका स्वागत करना चाहती हूँ। और शेर सिंह राणा जी, जो कि हमारी विधानसभा थाना भवन विधानसभा से हमारे बीच में आए हैं, उनका भी स्वागत करना चाहती हूँ। और आप सबको पता है नाइक भाई होते तो वो आते, और उनपे किस तरह से सरकार ने जांच कर रखी है। आज लगभग 7-8 महीने हो गए हैं कि वो अपने क्षेत्र से बाहर हैं। सरकार गुंडों की सरकार है, ये रोज अपनी गुंडागर्दी और तानाशाही का सबूत देती है। आज ही मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को भी गिरफ्तार करने का काम किया। तो कैराना की जनता सबसे ज्यादा वाकिफ है कि किस तरह सरकार अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके हम सबको परेशान कर रखा है। तो और इसका जवाब हम सब आने वाले 2022 के चुनाव में देंगे। और मैं सिद्धार्थ सिंह जी को बताना चाहूंगी, पश्चिम में कैराना क्षेत्र समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ रहा है, और आगे भी इंसुलर रहने का काम करेगा। यहाँ पे जितने लोग इसे व्यवस्था सब खराब बता रहे हैं, पर मैं कहना चाहूंगी कि ये सब हमारे लोगों का प्यार है, जो और इसी प्यार से हमेशा हमारा इस गांव में स्वागत होता है। और आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि चुनाव में भी इसी उत्साह के साथ सब वोट डाले जाएंगे। और यहाँ का कैराना के जो लोग हैं वो राजनीति मेरे वालिद साहब चौधरी मुनव्वर हसन से सीखे हुए हैं, तो इन्हें फर्क नहीं पड़ता सरकार चाहे कितना परेशान कर ले, आने वाली 2022 के चुनाव में हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। आखिर में बस अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहूंगी कि ये जो आज कार्यक्रम है, ये एक तरह से हमारी चुनावी